कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये अपना भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे एनएसए दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली पुष्टि करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा, तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी, तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जो मैं जाट एरिया से आता हूं, वहां एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेल का मुसलमान क्या, चूंकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है, और इसी तरह मेल ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सीधे रहता है सपाट, उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है, वहां दंगा हुआ है, ये दंगा बढ़ाया गया है जानबूझ के, और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल ही कल में रात रात में 8-10 शहरों में वहां के हरियाणा के ही हुआ, हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे, अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं, और ये होंगे देश में बड़े पैमाने पे होंगे, तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है, और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा वो तब बनेगा जब उसमें बम पड़ेगा या कोई चीज होगी, वो हो सकता है कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, चूंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए, तो जी काशी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मैं